जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्ग मालिकां डमड्ड मड्ड मड्ड मड्निनाद वड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं शिवं शिव शिवं शिवम्। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का रहस्य। ये कौन थे, कहाँ रहते थे? हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान विष्णु की सवारी को गरुड़ के रूप में दिखाया जाता है। भगवान विष्णु का ये वाहन माना जाता है। क्यों माना जाता है? सबसे पहले सवाल तो ये कि भाई क्यों? गरुड़ प्रतीक है दिव्य शक्तियों और अधिकार का। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान विष्णु ही सारा संसार समाया हुआ है, उनके अंदर ही सारा संसार है। सुनहरे रंग का बड़े आकार के पक्षी भी इसी ओर संकेत करता है। भगवान विष्णु की दिव्यता और अधिकार क्षमता के लिए यह सबसे अधिक सही प्रतीक है। गरुड़ भगवान के बारे में आप सब जानते होंगे, यह भगवान विष्णु का ही वाहन है जैसा कि मैंने आपको बताया। भगवान गरुड़ को विनायक, गुरुत्मक, तार्च्य, वैनित्य, नागांतक, विष्णुरथ, खगेश्वर, सुपर्ण और पन्नगाशन के नाम से जाना जाता है। गरुड़ हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण पक्षी माना गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गरुड़ को सुपर्ण, सुपर्ण मतलब होता है अच्छे पंख वाला, को सुपर्ण कहा गया है। जातक कथाओं में भी गरुड़ के बारे में कई कहानियां हैं। माना जाता है कि गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश और व्यक्तियों को इधर से उधर ले जाना होता था। कहते हैं कि इतना विशालकाय पक्षी होता था जो कि अपनी चोंच से हाथी को उठाकर उड़ सकता था। हम सतयुग की बात कर रहे हैं। गरुड़ के नाम से एक पुराण, ध्वज, घंटी और एक व्रत भी है। महाभारत में गरुड़ ध्वज था। घर में रखे मंदिर में गरुड़ घंटी और मंदिर के शिखर पर गरुड़ ध्वज होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्मानुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। गरुड़ पक्षी की विशेषता ही है कि वो भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी भी है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपना प्रतीक चिन्ह गरुड़ ही रखा करते थे। गरुड़ इंडोनेशिया, थाईलैंड और मंगोलिया आदि में भी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में लोकप्रिय है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। गरुड़ के जन्म की बात करते हैं हम। गरुड़ का जन्म सतयुग में हुआ था लेकिन वे त्रेता और द्वापर में भी देखे गए थे। दक्ष प्रजापति की विनीता या विनीता नामक कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। विनीता ने प्रसव के दौरान दो अंडे दिए, एक से अरुण का और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए तो गरुड़ ने भगवान विष्णु का आह्वान होना स्वीकार किया। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। चारों युगों में भगवान गरुड़ का वर्णन मिलता है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भी भगवान गरुड़ का वर्णन है। कलयुग में अभी फिलहाल कोई जिक्र नहीं है, पर हो सकता है कि कभी किसी शास्त्र में लिखा हुआ मिल जाए पर उसे अभी तक समझा ना जा सका हो, यह भी हो सकता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो मतलब अगर हम बुद्धिमानी की बात करें तो काफी बुद्धिमान था। जैसे गरुड़ जैसे दो पक्षी रामायण काल में मिलते हैं जिन्हें जटायु और संपाति कहा जाता था और ये दोनों ही दंडकारण्य क्षेत्र में रहते थे और विचरण करते थे। इनके लिए दूरियों का कोई महत्व नहीं था। वहां के स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण में जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आकर गिरे थे, इसलिए यहां एक मंदिर है। अब एक पक्षी तीर्थ है, हम
हम वहाँ की बता दें आपको, ये चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर एक तीर्थ स्थल है जिसे पच्छी तीर्थ कहा जाता है। यह तीर्थ स्थल वेदगिरी पर्वत के ऊपर है। कई सदियों से दोपहर के वक्त गरुड़ का जोड़ा सुदूर आकाश से उतर आता है और फिर मंदिर के पुजारी द्वारा दिए गए खाद्यान्न को ग्रहण कर आकाश में लौट जाता है। सैकड़ों लोग उनका दर्शन करने के लिए वहां पहले से उपस्थित रहते हैं। वहां के पुजारी के मुताबिक सतयुग में ब्रह्मा के 8 मानस पुत्र शिव के हिसाब से गरुड़ बन गए थे। उनमें से 2 सतयुग के अंत में, 2 त्रेता के अंत में, 2 त्वापर के अंत में शाप से मुक्त हो चुके हैं और कहा जाता है कि अब जो दो बचे हुए हैं वे कलयुग के अंत में मुक्त होंगे। तो ये गरुड़ के बारे में बताया। अब सतयुग में हम देवताओं से युद्ध के बारे में बताते हैं। पुराणों में भगवान गरुड़ के पराक्रम के बारे में कई कथाओं का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि उन्होंने देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। दरअसल ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी जिनमें 2 वनिता और कद्रु थी। अब ये दोनों ही बहनें थी जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी, दोनों के पुत्र नहीं थे। तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्रों के लिए वरदान दे दिया। तो वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र मांगे जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। तो सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी मां के कहे अनुसार काम करते थे। अब दोनों बहनों में शर्त लगी थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे हारने वाले को उसकी दास्ता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया लेकिन विनीता के अंडे से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में विनीता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्धविकसित बच्चा निकला जिसके ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक्व था। उसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें श्राप से मुक्त ना करवा सका तो आजीवन दासी बनकर रहेंगी। भय से विनीता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय जो पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता को उनकी ही बहन की दासी है तो फिर उन्होंने दासत्व से मुक्ति के लिए उन्होंने शर्त पूछी। सर्पों ने विनीता की दासता से मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकल पड़े और देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग के बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवार थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पैरा। वहां तक भी पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में लेकर पहले चरण की आग को बुझा दिया। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी और सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह से अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच ना होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा किया और अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा अमृत कलश, मैंने यहां इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब यह आपके सुपुर्द हुआ, लेकिन इसे पीने के लिए आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने गए
तभी वहां अचानक से भगवान इंद्र पहुंचे और अमृत कलश को वापस ले गए। लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गईं, जो घास पर ठहर गई। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तो इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। उसके बाद है त्रेता युग। यहां पे भी उनका जिक्र मिलता है। कहां पे? जब नागपाश में दोनों भाई बंधे होते हैं, राम और लक्ष्मण, तो नागपाश से खोलने के लिए गरुड़ को आना पड़ा था। एक बार हनुमान जी ने भी गरुड़ का अभिमान तोड़ा था। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया और विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इसमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो गया था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और विष्णु वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था। तो यहां पे गरुड़ की बात कर रहे हैं। तो गरुड़ की कैसे उन्होंने हनुमान जी ने तोड़ी थी, उसकी बात मैं कर रहा हूं। क्योंकि द्वारकाधीश तो समझ गए कि तीनों को ही अभिमान आ गया है, तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वह जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों का अहंकार हो गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम भगवान हनुमान के पास चले जाओ। भगवान तो शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, हनुमान के पास चले जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं द्वारिकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और कहना, और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश नहीं कर पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा कि जो आज्ञा भगवान, और भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान के पास पर पहुंच कर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए बंधु, मैं आता हूं। गरुड़ ने सोचा कि पता नहीं ये बुढ़ा वानर कब पहुंचेगा। खैर मुझे क्या है, कभी पहुंचे मेरा कार्य तो पूरा होगा, मैं भगवान के पास चलता हूं। और यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर चल पड़े। लेकिन ये क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। गरुड़ कसर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर नहीं रोका? तो हनुमान ने हाथ जोड़ते सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे क्या कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में मैंने दबा लिया, मुझे क्षमा करें। और अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूं, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो परभर में चूर हो गया। तो इस तरह तोड़े थे। यहां पे भी गरुड़ का जिक्र आया था। अब हम बात करते हैं कि आज के टाइम पे गरुड़ कैसे लुप्त हो रहा है। माना जाता है कि गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश को इधर उधर ले जाना होता था। जैसे कि प्राचीन काल में कबूतर भी ये काम करते थे, पर आज गरुड़ की जो जाति है वो लुप्त होती चली जा रही है। तो ये हमने आपको गरुड़ के बारे में जितनी चीजें थी वो बताई, और इसके साथ ही गरुड़ पुराण भी है। गरुड़ पुराण नाम से एक व्रत भी है। गरुड़ पुराण जो पुराण है और व्रत है, उसका भी उतना ही अहमियत है जितना गरुड़ का है। हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स, जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू।